ये हम लोग पैक्स अध्यक्षों के, सिवान जिला के सभी पैक्स अध्यक्षों का एक कार्यशाला रखे हैं। ये कार्यशाला मुख्य रूप से है धान अधिप्राप्ति का कार्य जो किया जा रहा है, तो उसमें किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, कैसे किसानों को लाभ पहुंचाना है, कैसे किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिले, सही समय पे मिले, उनका धान लिया जाए, धान की गुणवत्ता के बारे में भी बताना है कि आपको साफ़ सुथरा धान लेना है, 17% नमी वाले धान किसान लेकर के आएंगे, उनसे धान लिया जाएगा और उनको 48 घंटा के अंदर न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिया जाएगा। अब तक वर्षों पे अकाउंट परिवर्तन न होने की समस्या मैं आपको बताऊं क्या रही है, मांग करेंगे इसको कहां पर इस मुद्दे को उठाएंगे। हम आपसे चंद निवेदन करेंगे कि आप निश्चित रूप से इसको भी अपने बड़ी पदाधिकारी के विभाग को सूचित हैं। जिला प्रबंधक महोदय यहां बैठे हुए, हम चाहेंगे निवेदन करेंगे कि जो भी सूद हमारा लगता है भंडारण की वजह से लगता है, अगर भंडारण की इसी अधिप्राप्ति पर हमारे लघु नाटक खेलन से गरीब किसान उस पर घूस होकर हमको 10,000 रुपया पुरस्कार दिए थे। शशिभूषण बाबू हम लोग को नालंदा बुलाए थे बिहार शरीफ, वहाँ भी हम लोग को 3 पुरस्कार प्राप्त हुआ था। मिर्जुला पैक्स सिवान के धरती से हम बैठे मोतिहारी, भारत सरकार के तत्कालीन कृषि मंत्री राधा मोहन बाबू। ये हम लोग पैक्स अध्यक्षों के, सिवान जिला के सभी पैक्स अध्यक्षों का एक कार्यशाला रखे हैं। ये कार्यशाला मुख्य रूप से है धान अधिप्राप्ति का कार्य जो किया जा रहा है, तो उसमें किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, कैसे किसानों को लाभ पहुंचाना है, कैसे किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिले, सही समय पर मिले, उनका धान लिया जाए, धान की गुणवत्ता के बारे में भी बताना है कि आपको साफ सुथरा धान लेना है, 17% नमी वाले धान किसान लेकर के आएंगे, उनसे धान लिया जाएगा और उनको 48 घंटा के अंदर न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिया जाएगा। आज हम लोग जो कार्यक्रम कर रहे हैं किसानों के हित के लिए कर रहे हैं, जो हमारे सिवान जिला के जो किसान हैं, छोटे बड़े जो लोग भी किसान हैं, सभी लोग को हम लोग उचित मूल्य पर धान लेने के लिए एक संदेश दे रहे हैं। और इससे हमारी जो बिहार सरकार है, जो हमारे स्टेट है, इससे हमारे स्टेट के काफ़ी बने और बिहार सरकार प्रॉफिट होगी और हमारे किसान और हमारी जनता पूरी बिहार के, इससे हम लोग में मजबूती मिलेगी और एक उद्योग मिलेगा, सभी लोग इससे लाखों परिवार जुटेंगे और लाखों परिवार की रोजी रोटी चलेगी। इतने संख्या में पैक्स अध्यक्ष आए हैं, क्या उनको जो समस्याएं आ रही है वो भी जाना जा रहा है? देखिए, हमारे यहाँ तो सभी लोग जो पैक्स अध्यक्ष 293 हैं और व्यापार मंडल केन यूनियन सभी लोग को मिलाकर लमसम 315-16 है, तो सभी लोग को हम लोग आमंत्रण किए थे, सभी लोग आएँ और सभी लोग अपना बात रखें, उस चीज़ का हम लोग निराकरण करेंगे और उसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो खाद राज निगम पदाधिकारी हैं, जो हमारे सहकारिता पदाधिकारी हैं, जो हमारे जिला चेयरमैन है, सभी लोग मिलकर उस चीज़ के हम लोग शॉर्ट आउट करेंगे। जिस तरह से सिवान कोऑपरेटिव बैंक लगातार अपने मुनाफे में चल रहा है, क्या लगता है बिहार में नंबर वन? देखिए, हम लोग चाहेंगे कि राजेंद्र बाबू की धरती है, इस धरती से देश में प्रथम राष्ट्रपति बने थे, उसी तरह हम लोग चाहेंगे सिवान का कोऑपरेटिव बैंक और सिवान के किसान सभी लोग खुशहाल रहें, ये खुशियाँ आवे सिवान में और सिवान का कोऑपरेटिव बैंक के दिन ब दिन उनका उन्नति हो, उसका एक बिहार में नंबर वन बने, इसके लिए मैं पूरे 24 घंटा ये 365 दिन भी हम लोग मेहनत और किसानों के बीच रहने के लिए काम करेंगे।